हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो ड्राइंग का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि जो ड्राइंग का फर्स्ट पेपर है, उसके आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जल्दी से जो सबसे पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। भारतीय कहाँ से प्रत्यायें से आप क्या समझते हैं? भारतीय कहाँ से प्रतियाएं जो होती हैं उससे आप क्या समझते हैं, उसके क्या आशय है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ जरूर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है आपका, नटराज मूर्ति के बारे में विवेचन कीजिए। तो नटराज मूर्ति के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, जो इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा आपसे कि कांस्य कालीन मूर्ति कला पर प्रकाश डालिए। तो कांस्य कला जो मूर्ति है, इसी में आपका नटराज मूर्ति भी आ जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही इसका आंसर रहेगा, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन वस्तुकला पर प्रकाश डालिए। तो मौर्यकालीन जो वास्तुकला होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो है थोड़ी थोड़ी हेडिंग वाइज जो है इसकी तैयार कर लीजिएगा। मौर्यकालीन वास्तुकला जो भी होती है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर आपके एग्जाम में। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, सुंग सातवाहन काल में कला के विकास के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग आपको लग रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुंग सातवाहन काल में कला के विकास के बारे में वर्णन कीजिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, भरहुत स्तूप की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो ये शब्द जो है भरहुत स्तूप, तो इसकी जो है विशेषताएं आपको पढ़नी है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है इसी में जो अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप शैली से आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है कि आपने नाम सुना हो अमरावती शैली। तो इसी में जो है अमरावती स्तूप जो है उसकी शैली से आप क्या समझते हैं, उसका वर्णन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। वो जो भी चीजें होती है इसके बारे में आपको जानकारी ले लेनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण कालीन कला से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुषाण कालीन कला क्या होती है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करनी है और इसकी जो भी शाखाएं होती हैं वो भी आपको तैयार करनी है। तो कुषाण कालीन कला से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, गंधार कला की विशेषताएं बताइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, गंधार कला की विशेषताएं बताइए या विवेचना कीजिए या इसकी परिभाषा दीजिए, तो इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। गंधार कला क्या होती है उसकी विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ जाता है, तो 5 से 10 पॉइंट आप इसके तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शैली से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मथुरा शैली क्या होती है इसके बारे में वर्णन कीजिए, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मथुरा शैली से आप क्या समझते हैं वो बताइए। उसके बाद जो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है इंपॉर्टेंट, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है स्पष्ट कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर जो है इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा, बट पूछेगा जरूर, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, बट इस क्वेश्चन को आएगा। तो यहाँ पे इसमें जो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूछेगा जरूर। उसके बाद जो इसी में अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट की गुफाएं, जो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं 600 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसकी गुफाएं होंगी कई सारी, 4 से 5, तो उनमें जो आपको थोड़ी थोड़ी सी उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, आएगा। तो आपको ज़्यादा उस पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, 4 से 5 लाइनों का जो है थोड़ा थोड़ा आप सबके बारे में पढ़ लेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं जो है 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक के बारे में विवेचन कीजिए। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्ययुगीन भारतीय मंदिरों पर प्रकाश डालिए। तो मध्ययुगीन काल में जो भारतीय मंदिर होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें 4 से 5 मंदिर होंगे, ठीक है, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। मध्ययुगीन भारतीय मंदिरों पर प्रकाश डालिए, उनके बारे में बताइए।
उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में वर्णन कीजिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं आपके सिलेबस से। अगर आप ये सारे क्वेश्चन नहीं सिर्फ तैयार करके जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको जो सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं उससे ज्यादा ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा नॉलेजफुल लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर दोस्तों इसमें जो सिलेबस हमने दिया है आज के पेपर में, मिनिमम सिलेबस है ये, इससे कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन के आंसर तैयार करके जाते हैं, तो आपको पूरा पेपर से अधिक ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। थैंक यू।